ये हमारे द्वारा कलम वाली खिड़की बनाई गई है। ये हमारी जो खिड़की है ये डबल कात्रे में बनाई गई है। इसके इस साइड भी कलम है और इसके इस साइड में भी कलम बनाई गई है। तो दोस्तों, इस खिड़की को हमने किस प्रकार से बनाया है तो वो आपको इस वीडियो में बनाकर दिखाएंगे। चलो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और वीडियो को स्किप ना करें। हम इसकी मार्किंग करेंगे। या हमने फ्रेम की जो साफ साइड है उसको दर्शनी साइड किया है। ये हमारी दर्शनी साइड होगी और जो इसका नाप है वो हम 23/6 के नाप में बनाएंगे। और जो ये हमारी खुरजी है वो 14 14 1 की कटिंग की है। 14 इंची नाप चाहिए हमें। अब हम इसको यहाँ से आधा सूज छोड़कर गुणिया से निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से 1 इंची से लेकर 24/6 पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि 1 इंची हमने इस साइड से ज़्यादा लिया है तो ये हमारा नाप 23/6 रह जाएगा। इस प्रकार से हम 23 इंची 6 सूत पर मार्किंग कर लेंगे। और ये हमारी कुर्जी है, इस नाप से यहाँ निशान लगा लेंगे। इंची टेप द्वारा भी लगा सकते हैं हम। अब हम यहाँ से गुणिया के द्वारा लाइन खींच देंगे। हमारी जो ये रंधाई है वो बिल्कुल गुणिया में होनी चाहिए। अब हम बाहर की साइड से 1 इंची छोड़ेंगे दोनों साइड। 1 1 इंची मार्क करने के बाद में हम गुणिया से निशान लगा देंगे। अब हम गुणिया से चारों तरफ निशान को घुमा देंगे। ये जो हमारे मार्किंग है इस मार्किंग को जो दोनों साइड घुमा लिया है, जो हम इसका सुराख है वो आर पार निकालेंगे। और दोस्तों, यहाँ से आपने सिरे से इसकी मार्किंग कर लेनी है इस प्रकार से। दोस्तों, इसकी इस प्रकार से कलम कटिंग होगी। हमने अब इसकी मार्किंग कर ली है। और दोस्तों, इसकी मार्किंग करेंगे, ये हमारी खुरजी है, खुरजी की मार्किंग करेंगे। यह हमारी 14 इंची चाहिए हमें। आप दोस्तों नाप से एक सूत ज़्यादा मार्किंग रखें, जिससे कि हमें आरी निकाल कर कलम मिलाने के वक्त हमारी खिड़की छोटी ना हो। दोस्तों, हमें 12 से 12 सूत का हमें 14 चाहिए, तो हमने इसकी एक सूत ज़्यादा 14 इंची पर इसकी मार्किंग करने के बाद में हम यहाँ से इसकी इस प्रकार से कलम कटिंग होगी। आप ये जो हमारा मार्किंग वाला बार वाला निशान है, आप वहाँ से इस प्रकार से मार्किंग कर लें। दोस्तों, अब हम इस यहाँ पर बड्डी मार लेंगे। आप देखिए, बोल सकते हो
चार चमचा रखे मौके बड्डी मार लेंगे। अब हम हमारी जो दोनों फ्रेम है उसके चारों सुराख हैं वो साफ करेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से सुराख निकाल सकते हैं। हमने दोनों फ्रेम के जो चारों सुराख हैं उनको साफ कर लिया है। अब हम इसकी फ्रेम की यहाँ से ये जो कलम है यहाँ से इसकी आर पार कटिंग करेंगे। हमारी द्वारा भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, हैंड कटर द्वारा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी हैंड कटर के द्वारा कटिंग करेंगे। ये हमारे जो फ्रेम है इसकी इस प्रकार से हमने कटिंग कर दी है। अब जो ये हमारी खुरजी है इसकी कटिंग करेंगे। इसकी चूल आप चाहे तो हैंड कटर से निकाल सकते हो, आप नहीं तो आप आरी के द्वारा भी निकाल सकते हो। हमारा जो ब्लेड है यहाँ पर लीके पर सेट कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी हमने चूल निकाल ली है। अब इसको यहाँ से मार्किंग करके इसकी कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों हम इसकी सबसे पहले मार्किंग करके इसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद में इसको ठोक कर दिखाएंगे। इसकी यहाँ से इस प्रकार से मार्किंग करके इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको सत्री के द्वारा निकाल देंगे यहाँ से, और फिर दोस्तों इसको हम ठोक कर देखेंगे। ये इसकी खुरजी तैयार करने के बाद में इस प्रकार से यहाँ कलम पर जोड़ आएगा, और जो इसकी अपने खुरजी है इसके सेंटर में एक फानी लगाने के लिए यहाँ पर कटर द्वारा कट मार लेंगे, और उसके बाद में इस फ्रेम को ठोक कर हम इसके अंदर फानी लगा लेंगे यहाँ पर कटर पर, और उसके बाद में हम इसकी आरी निकालेंगे। दोस्तों ये हमारे द्वारा अब खिड़की तैयार कर दी गई है। आप इसका नाप भी चेक कर सकते हो। ये देखो इसका नाप 14 इंची से एक सूत ज़्यादा ही है, और इधर से अपना पौने 24 है, और इधर से हमारा 14 इंची एक सूत है। दोस्तों इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से कलम वाली खिड़की बना सकते हैं। दोस्तों ये हमारी डबल कातरे की खिड़की है, और सिंगल कातरे की खिड़की बना सकते हैं। दोस्तों सिंगल कातरे की खिड़की किस प्रकार से बनाती है वो हम अगली वीडियो में बनाकर दिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप आरी अच्छी तरह से निकाल कर कलम मिला सकते हैं।